और बताओ गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, क्योंकि आज आप सभी को बताने वाला हूँ मिस्ट्री शॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन सर्वर में मिस्ट्री शॉप आएगा या नहीं, और आएगा तो कब तक आएगा, और इसका कंफर्म डेट क्या होगा, इस वीडियो में मिस्ट्री शॉप के बारे में फुल डिटेल से देने वाले हूँ। लेकिन हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटू से बात कर लेते हैं, उससे एक शायरी सुने, फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा छोटू, हम सभी के लिए एक शायरी सुना दे। क्या मैं हमेशा शायरी सुनना आ जाता है भिखारी कहीं का? अबे मैंने तो तेरे पास से शायरी बोलने के लिए बोला था, कौन सा तेरे पास से कुछ मैं मांग रहा हूँ? हाँ तो सभी टाइम तो वैसे ही बोलता है कि शायरी बोल दे शायरी बोल दे, इज्जत से बात नहीं कर सकता क्या? अच्छा तो मैं तेरे को इज्जत से बुलाऊं, महाराज कृपया करके हम सभी को एक शायरी सुना दीजिए। हाँ ये होने बात, आज तेरे को शायरी नहीं बोलूंगा, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ सुन। आजकल शैम्पू में इतना काजू बादाम विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं कि सोचता हूँ खाना खाने के बाद एक एक चम्मच शैम्पू लेना शुरू कर दूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ ये बात तो बिल्कुल तूने सही बोला, मैं भी लेने स्टार्ट करूंगा। सुबह सुबह बजन दो, अब हम बढ़ते हैं हमारे मिस्ट्री शॉप की साइड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और गाइस जैसे कि आप लोग की मिस्ट्री शॉप देख सकते, ये सभी बाहर के सर्वर में आ गया है पर इंडियन सर्वर में नहीं आया है। सो इंडियन सर्वर में आएगा आई थिंक 12 मार्च को आ जाएगा, और इस मिस्ट्री शॉप से हम सभी को बहुत सारे आइटम बिल्कुल थोड़ा बहुत के डायमंड के बदले मिल जाएगा। और ये जो आप बंडल देख रहे हो ये अपना मेल का बंडल है, सो काफी खतरनाक बंडल है। आपको कैसे लगा कमेंट करके बता दो। ये जो आप इमोट देख रहे हो, पर ये इमोट हम सभी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये इलाइट पास का इमोट है, और इंडियन सर्वर में आने के बाद बहुत सारे आइटम चेंज। और ये जो आप फीमेल का बंडल देख रहे हो ये भी चेंज हो जाएगा, आई थिंक चेंज हो जाएगा, और या फिर वही बंडल रहेगा वो तो पता नहीं, पर ये जो आप मेल का बंडल देख रहे हो ये कंफर्म है आएगा। ये जो आप बैकपैक देख रहे हो सो ये काफी खतरनाक, ये इंडियन सर्वर में आएगा या नहीं वो तो मेरे को पता नहीं है, शायद ये टब इवेंट में डालेगा या फिर मिस्ट्री शॉप में आएगा। मिस्ट्री शॉप में आने का बहुत ज्यादा चांस है। और आप लोग का मन में एक क्वेश्चन रहेगा कि मिस्ट्री शॉप में इलाइट पास कहाँ है, और गाइस वो तो मेरे को नहीं पता, और मैं आपको बताता हूँ मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास क्यों नहीं आया है। ये जो मिस्ट्री शॉप आया है ये अपना फ्री फायर की साइड से नहीं आया है, सो ये अपना असैसिन क्रिएट इवेंट के थीम पे आया है, मतलब कि वही कंपनी ने ये मिस्ट्री शॉप डाला है। पर इलाइट पास हो गया या नहीं वो तो हमें नहीं पता, गरीना को पता है, जाकर सब कॉल करके पूछो। और इस मिस्ट्री शॉप में इलाइट पास आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग मिस्ट्री शॉप का मजा लेना चाहते हो तो आप लोग एक वीकली मेंबरशिप मार लो, उससे आप सभी का काम हो जाएगा। और इस आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने बता दिया तो आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो के होम स्क्रीन पे आएगा, सो आप अगर आंसर दोगे तो आप अपना नाम भी लिख देना, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है जिसे आप एक बार खा के दोबारा नहीं खाना चाहते फिर भी आप लोग खा लेते हो? अच्छा इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है और अपना नाम यहाँ से लिख देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट स्क्रीन पे आएगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।